पार्टियों में लास्ट मेरे सोनी भैया जो है चरिश्मा स्पा के, हम लोग ने स्पॉन्सर मिलके किया राहुल को और प्रतिशा को होली का होली के लिए। और हम लोग मैं मतलब उसकी निजी जिंदगी के बारे में मैं पूरा जानती हूँ। राहुल से पहले किससे मुलाकात थी, क्या थी, कौन था। और जब बिग बॉस में गई तब भी उन्होंने प्रत्युषा ने मुझे पूछा था। मैंने पहले कहा था कि अभी मत जाना बिकॉज तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट राहुल ने उसे फोर्स किया था कि यू गो, आई एम विथ यू, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा। सलोनी ने उसे हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहाँ पे दाग है, नाक पे दाग है, यहाँ पे दाग है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे थे, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। क्यों, तो दाग कहाँ से आए? हमने तो नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, लैला खान, जिया का तो अभी भी केस चल रहा है। पहले कहते थे आत्महत्या, बाद में मर्डर निकला। कितने सारे ऐसे केसेस हैं। वहाँ पे राहुल मोबाइल लेकर चला गया, प्रत्युषा के शरीर को कोकिलाबेन इमरजेंसी वार्ड में डाला और वो निकल गया मोबाइल लेकर। वो सच्चा आशिक था, सच्चा प्यार करता था, तो मोबाइल लेके क्यों चला गया? वहाँ पे खड़ा क्यों नहीं हुआ डट के कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया? पूरी रात गायब रहा और कोकिलाबेन के पीछे कोने में जाके चिप्स खा रहा है और अभी मीडिया के सामने रो रहा है चीख चीख के। हम लोग ने सब, मैंने भी सबके सामने कहा था, आप लोग मौजूद थे वहां पे, कि ये चिप्स खा रहा है, मोबाइल लेकर गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। वो वीडियो प्रत्युषा के मोबाइल में था। वो वीडियो ऐसा क्या था? आप लोग मीडिया है, मीडिया सब सच को बाहर लाती है, लड़कियों को सबको इंसाफ देती है। एक मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अभी मुझे वार्निंग दी गई है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है, लेकिन वो जो सबूत है वो हमें पुलिस और क्राइम ब्रांच को देने हैं, उससे पूरा साबित हो जाएगा। और मैं वो बंदी को सारे सबूत लेकर क्राइम ब्रांच में जाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई है कि अभी अगर मैंने मीडिया को दे दिया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो मैं भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहती। बस हमारी सबकी यही इच्छा है कि राहुल को कस्टडी में लिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो।